एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षियों के बीच एक उल्लू भी रहता था। वो दिन भर सोता और रात को जागता रहता। एक बुलबुल ने उसे दिन में आवाज दी, उल्लू भैया, अरे अब तो उठ जाओ, सारा जंगल जाग रहा है और तुम सो रहे हो। उल्लू ने बुलबुल की बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसकी सोने की प्रक्रिया जारी रही। अजीब पक्षी हो, मैं जगा रहा हूँ और तुम सोए पड़े हो। अरे बुलबुल की दुम, मैं रात भर जंगल की रक्षा के लिए जागता हूँ और दिन में सोता हूँ। तुम क्या चाहते हो, मैं रात दिन जागता ही रहूं? तुमने कब मेरी रक्षा की? हाँ, हमारी नींद में खलल डालने के लिए शोर जरूर मचाते हो, रात भर जंगल का चक्कर लगाते हो। अब जाओ यहाँ से, मुझे सोने दो। मुझे भगा रहे हो, समझ लो सुनहरा मौका गवा रहे हो। सुनहरा मौका? अरे खुलकर बताओ। अरे मैं तो तुम्हें टेकरी वाले शुतुरमुर्ग की तरफ से निमंत्रण देने के लिए बुलाने आया था। अब तुम नहीं तैयार हो तो कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। मैं तो चलकर दावत खाऊंगा, मजे उड़ाऊंगा। तुम सोए हो, सबको यही बताऊंगा। अरे रे 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 रे, रुको बुलबुल भाई, तुम तो यार नाराज हो गए, पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा किया मुझे जगाया, अब तो मैं क्या, मेरी भूख भी जाग गई, नींद तो कब की भाग गई है। अच्छी बात है, उठो फिर उड़ो और पहुँच जाओ टेकरी पर, बड़े अच्छे अच्छे व्यंजन बने हैं। ठीक है मैं चलता हूँ। इतना कहकर बुलबुल तो वहाँ से उड़ गया, लेकिन उल्लू के लिए परेशानी खड़ी हो गई। वो जैसे ही अपने घोंसले से उड़ा, उड़ते उड़ते पेड़ से टकरा गया। दरअसल दिन में उसे दिखाई नहीं पड़ रहा था। अरे मैं तो दावत खाने जा रहा था, ये पेड़ कहाँ से बीच में आ गया? आया तो आया, मुझसे ही टकरा गया। उल्लू वहाँ से उठा और फिर उड़कर चला। उड़ते उड़ते टेकरी तो नहीं मिली, वो बड़े पहाड़ से टकरा गया। अरे ये पहाड़ इतना बड़ा हो गया, लेकिन अकल एक पैसे की नहीं। इतने नेक काम करने के लिए जा रहा हूँ और ये मुझसे ही टकरा गया। अरे कोई इसे समझाए, मेरे रास्ते से हटाए। अरे उल्लू के तुम, ये भी नहीं समझे तुम, रास्ते में पहाड़ नहीं तुम आ गए, वो तो अपनी जगह पर खड़ा है, तुम ही अकल के दुश्मन हो। अरे भैया दो बार टक्कर खा चुका हूँ, ये दावत तो बड़ी महंगी दिख रही है, टेकरी का रास्ता किधर है बता दो, हो सके तो वहाँ तक पहुँचा दो। देखो भैया, तुम इस दिशा में कहाँ जाओगे, आगे जाकर क्या नदी में गोते खाओगे? मैं तो दावत खाकर आ रहा हूँ, अपने घर जा रहा हूँ, मुझे अब लौट कर नहीं चलना है, तुम्हारे साथ उल्लू नहीं बनना है। तुम एक काम करो, इधर पूरब दिशा में सीधे चले जाओ, जाकर टोकरी पर दावत का मजा उड़ाओ। कौवे के कहने पर उल्लू पूरब की दिशा की ओर उड़ने लगा। वो बड़ी देर तक उड़ता रहा, उड़ता रहा। नीचे उसे कुछ आवाज सुनाई पड़ी, वो तेजी से नीचे उतर गया और ये क्या, नदी के पानी में गिर गया। एक कछुआ निकलकर बाहर आया और उल्लू की हालत देखकर फरमाया, उल्लू भाई ये क्या गजब ढा रहे हो, पक्षी होकर नदी में गोता लगा रहे हो। भैया मैं तो इसे टेकरी समझकर दावत खाने नीचे आया था, एक कौवे ने मुझे यही रास्ता दिखलाया था। अरे उल्लू भाई, इस कौवे ने तुम्हें मूर्ख बनाया है, तुम्हें गलत रास्ता बताया है, ये भी सब समझ सकते हैं कि उल्लू को उल्लू बनाया है। कबूतरी मंजरी आज बड़ी बेसब्री से अपने अंडों को निहार रही थी, उसे नन्हे मुन्ने बच्चों का इंतजार था। एक रंजन तोता भी पास में बैठकर मंजरी की खुशी को परख रहा था। एक अंडा फूट गया और एक सुंदर बच्ची बाहर आ गई। आओ आओ गुड़िया, स्वागत है, बड़ी प्यारी तुम्हारी रंगत है। कुछ देर बाद दूसरा अंडा भी फूटा, तब उसमें से एक दुबला पतला और काले रंग का एक बच्चा बाहर आ गया। मंजरी को भी आश्चर्य हुआ, लेकिन माँ के लिए सब बच्चे प्यारे होते हैं। आओ आओ राजा, तुम्हारा स्वागत है, पहले बहना आई फिर भाई को लाई। मंजूरी बहन, खुशी की घड़ी आई है, बधाई हो बधाई। दिल से धन्यवाद भाई। इतने में कबूतर गोगा भी आ गया, बच्ची को देखकर तो वह खुश हो गया, लेकिन बच्चे के काले रंग और कमजोरी को देखकर वह मुंह बिचकाने लगा। अरे मंजूरी, ये काला कमजोर बच्चा कहाँ से ले आई? यह क्या कह रहे हो, यह सांवला सलोना हमारा ही बेटा है। खबरदार जो इसके बारे में ऐसी वैसी बात कही, इसका नाम मैंने राजा रखा है। अरे मंजूरी, हम दोनों कैसे हैं और ये कैसा है,
मेरे समझ में नहीं आ रहा ये ऐसा क्यों है। क्या हुआ, जो भी है जैसा भी है हमारा अपना बेटा है। इसके मुखड़े की बनावट मुझे बहुत अच्छी लगती है। यह बड़ा होकर बांका कबूतर बनेगा। इसकी चोंच भी बड़ी प्यारी है। तुम्हारी सोच बड़ी प्यारी है। माँ की सोच ऐसे ही होती है, उसे अपने बच्चे सबसे ज्यादा प्यारे लगते हैं। मंजरी कबूतरी ने बड़े प्यार से दोनों बच्चों को पालना शुरू कर दिया। दोनों बच्चे कुछ बड़े हो गए थे और आसपास के चिड़िया के बच्चों से घुलना मिलना चाहते थे। दूसरे पक्षी राजा को बड़ी हेय दृष्टि से देखने लगे और मजाक उड़ाने लगे। बहना कितनी सुंदर है, भाई पूरा बंदर है। पतलू पहलवान घर में बैठा करो, बाहर चलोगे गिर जाओगे, धूप में काला जामुन नजर आओगे। मेरे राजा भैया को कुछ मत कहो, वह तुम सबसे अच्छा है। वाह रे राजा भैया, दिखे टूटा दरवाजा और नाम रख दिया राजा। राजा भैया यहाँ से चलो, यहाँ सब हमारी कदर नहीं जानेंगे, अब हम इनके साथ कभी नहीं खेलेंगे। राजा को उनकी बातों से बड़ा दुख हुआ था, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाया था। वह अपनी बहन गुड़िया के साथ वहाँ से चल पड़ा। वह जानता था कि उसकी बहन उसे बहुत प्यार करती है, इसलिए वह उसकी तरफदारी करती है। राजा जिस पेड़ पर रहता था उस पेड़ के पक्षी भी उसका मजाक उड़ाते थे। यहाँ तक कि एक दिन एक कौवे ने भी उसका दिल दुखाया। राजा पेड़ पर से उड़ा और कमजोरी के कारण बीच में ही थक गया और लौट कर फिर पेड़ पर आ गया। अरे राजा, तुम पेड़ से दूर मत जाया करो। तुम शक्ल सूरत से हमारी बिरादरी के लगते हो, हमारे टोली में शामिल हो जाओ। एक बात है, कमजोर हड्डी वाले पक्षी हो, तुम्हें हमारे दल में पीछे रहना होगा। ज्यादा मेहनत का काम नहीं कर पाओगे, ठीक से उड़ भी नहीं पाओगे। राजा को बहुत दुख हुआ और अपने आप पर उसे गुस्सा भी आया। वह वहाँ से दूर जाकर एक झाड़ी में बैठ गया। वह अपने आप से बातें करने लगा। भगवान, मुझे इतना कमजोर और काला क्यों बनाया? कोई मुझे पसंद नहीं करता, मेरे साथ कोई खेलना नहीं चाहता। भगवान ने मुझे दुनिया में क्यों ही भेजा, मैं पैदा होते ही मर क्यों नहीं गया। जब बहुत देर तक राजा पेड़ पर नहीं लौटा, तब उसकी माँ कबूतरी मंजरी ने गोगा कबूतर को भी बताया और दोनों अलग अलग दिशा में अपने बेटे को ढूंढने के लिए चल पड़े। मंजरी मन ही मन सोच रही थी कि उसका बेटा तो आसपास के जंगल की दिशाएं भी नहीं जानता, वह न जाने कहाँ चला गया। उधर राजा उड़ते उड़ते जंगल में बहुत दूर चला गया। आज उसने कुछ ठीक से खाया भी नहीं था, फिर भी वह उड़ते हुए थक नहीं रहा था। वह एक पेड़ पर बैठ गया। उसी पेड़ पर कुछ मोर पक्षी भी बैठे थे। उन्हें देखकर वह डर गया। यह सभी मोर कितने सुंदर दिख रहे हैं, मुझे इनके बीच में नहीं जाना चाहिए। यह सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझे बहुत भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है। क्या मुझे घर लौटना चाहिए? मैं तो बहुत दूर आ चुका हूँ, रास्ता भटक चुका हूँ। हे भगवान, क्या करूँ मैं? एक मोर ने राजा को देख लिया और वह उसके पास आ गया। राजा छिपने लगा। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राजा है, मैं रास्ता भटक गया हूँ, मैं चला जाऊंगा, मेरा मजाक मत उड़ाइए। बेटा, तुम क्यों छुप रहे हो, सामने आओ। आप लोग मुझे मारेंगे तो नहीं? बेटा डरो नहीं, हम तुम्हें क्यों मारेंगे, आओ। तुम्हें बहुत भूख लगी होगी ना, लो खा लो, तुम किसी बात की चिंता मत करो। मोर काका की बातों ने राजा के अंदर खुशियां भर दी, उसका डर भाग चुका था। उसे खाना दिया गया और वह बड़े प्यार से खाने लगा। उसने अपने साथ हुई सारी घटनाओं के बारे में मोर काका को बताया। मोर काका ने वैद्यराज लाल तोता को बुलाया। लाल तोता ने राजा की पूरी जांच की। इस बच्चे को जन्म से ही एक बीमारी है जिसके कारण इसका रंग काला हो गया। उसी बीमारी के कारण ये कमजोर भी है। इस बीमारी का कठिन इलाज है। आपके इलाज से ये ठीक तो हो जाएगा ना, कृपया करके इसका इलाज कर दीजिए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, कई दिन तक इसका इलाज चलेगा। बच्चे चिंता मत करो, भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। राजा मोरों के साथ उसी जंगल में रहने लगा और लाल तोता वैद्य द्वारा उसका इलाज चलने लगा।
वह सबकी सेवा भी करता था। धीरे धीरे उसने सबके दिल में जगह बना ली। कुछ दिन तक उसका इलाज चलता रहा, लेकिन स्वास्थ्य में कोई फर्क नहीं आया। मोर काका, तोता काका, आप लोग मेरे बारे में बहुत परेशान हो चुके हैं। ये काला रंग और कमजोरी मेरी तकदीर बन चुका है। अब तकदीर को बदलना मुश्किल है। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। बेटा, निराश मत हो। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। तुम भगवान के नेक बंदे हो, वे तुम्हारी फरियाद अवश्य सुनेंगे। लाल तोता इलाज जारी रखता है। जो भी जड़ी बूटी मंगवानी होती थी, मोर मंडली उसे हाजिर कर देती थी। एक दिन अचानक राजा ने नदी के पानी में अपना चेहरा देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसका रंग साफ हो गया था और चेहरे पर चमक आ गई थी। राजा बेटा, अब इलाज का फर्क दिखने लगा है। राजा, तुम्हारा चेहरा चमकने लगा है। धीरे धीरे राजा का स्वास्थ्य भी सुधरने लगा और उसका रंग भी निखरने लगा। देखते ही देखते वह एक सुंदर कबूतर बन गया। आप लोगों के प्यार और मेहरबानी ने मेरी जिंदगी बदल दी। तोता काका की दवाओं ने जादू कर दिया। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। बेटा, नजर ना लगे, तुम दुनिया के सबसे सुंदर कबूतर बन गए हो। सबसे सुंदर और तंदुरुस्त हो गए हो। बेटा, अब तुम्हें एक मुकाबले के लिए तैयार होना है। एक सप्ताह के बाद इसी जंगल के मध्य में सभी कबूतर और तोतों की उड़ान प्रतियोगिता होगी। जो काले पहाड़ की ऊंची चोटी को छूकर पहले लौट आएगा, वो विजेता होगा। वह दिन आ गया। कबूतर और तोता के बच्चे, जिन्होंने कभी राजा का मजाक उड़ाया था, वह भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे थे। राजा के सुंदर व्यक्तित्व के कारण उसको कोई नहीं पहचान पा रहा था। प्रतियोगिता शुरू हो गई और राजा तीर की तरह आगे बढ़ने लगा। वह सबसे आगे उड़ रहा था। इतने में एक बाज कहीं से उड़ता हुआ आ गया और उसने राजा पर हमला कर दिया। राजा भी इससे लड़ गया। राजा की शक्ति के आगे बाज परास्त हो गया और भाग गया। इस बीच बहुत सारे पक्षी उड़ते हुए आगे निकल गए थे। राजा ने फिर से उड़ान भरी और देखते ही देखते वह काली पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर उसे स्पर्श करके लौटने लगा। अब भी उसके आगे कुछ पक्षी उड़ रहे थे। राजा ने अपना पैंतरा बदला और देखते ही देखते सबसे आगे निकलकर विजेता बन गया। मोर काका ने उसका स्वागत किया। इसी बीच राजा ने अपने माँ और पिता को देख लिया। वह दौड़कर उनके पास पहुँच गया। माँ, बाबूजी, आप लोगों ने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपका राजा हूँ। राजा की माँ और पिता की आंखों में खुशी के आंसू छनछना पड़े। मेरे बेटा राजा, मेरे पास आ जा। माँ मंजरी ने बड़े ही प्यार और ममता के साथ अपने राजा बेटा को अपने पास ले लिया। पिता गोगा कबूतर का स्नेह उमड़ पड़ा था। उसी समय चारों तरफ खुशी की बहार आ गई।